खाली ही लोग झूठ का दिग्भ्रमित करते हुए रोज कुछ ना कुछ जहर बीज बोलने का काम करता है। इसीलिए जात पात वाला बात करने वाला लोगों को गांव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें विकास चाहिए। ये लोग कई हमारे रास्ते में टांग अड़ाने का काम करता है। हम जैसे तेजी से चलने लगते हैं, कहीं से कुछ कोर्ट कचहरी का ऑर्डर, कोई संस्था का नोटिस हम पर भेजवा देता है कि हाजिरी दो। आप तो हम भी सोच लिया है, आप तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाएगा इस पार या उस पार। इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहां का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार है। अजीब हालत है। मतलब गरीब है तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा दो। और इन लोग के बारे में तो क्या लोग बोलता है, वॉशिंग मशीन। व्हाट्सएप फेसबुक में सुनते हैं ना जी, जितना गंदा आदमी को इसका विपक्ष का मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। वाह वाह रे वाह, कमाल है। 20 साल चलाया सरकार तुम, भ्रष्टाचारी हो गए हम, बुजुर्ग को पेंशन दिया हम, भ्रष्टाचारी हो गए हम, विधवाओं के आंख पानी पोछो तो गुनेगार हो गए हम, अपनी बच्चियों को सावित्री बाई फूले योजना से जोड़ो, अपने पैर पर खड़ा करो तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। हमारा गरीबी इतना बड़े पैमाने में गांव देहात में है कि हमारी बच्चियां 8वां 9वां पास करती नहीं है, उसका माँ बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। क्यों भाई, कहां से पढ़ाएगा? और सच में कहां से पढ़ाएगा, कहां से लाखों हजारों रुपया लाएगा? किसके घर में बैंक खाता में रुपया भरा हुआ है आप बताओ? इसीलिए हमने निर्णय लिया है, अब आपने अपने बेटियों को शादी ब्याह हड़बड़ा के करने का जरूरत नहीं है। उन लोग को पढ़ाइए लिखाइए, अपने पैर पर खड़ा कीजिए। आने वाला समय हाँ, उनकी संतानें और मजबूत पैदा होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।